नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। दबंग अंदाज और किलर स्वैग बॉलीवुड के भाई जान का चार्म और ऑरा अनमैचेबल है। सलमान खान बी टाउन के एक ऐसे सितारे हैं जिनके बच्चे, बूढ़े और जवान सभी दीवाने हैं। फैंस के फेवरेट सलमान खान आज अपना 57 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सलमान के बर्थडे पर जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। जी हाँ, अब सलमान खान का बर्थडे है तो जश्न भी ग्रैंड होना चाहिए। उनका बर्थडे फैंस के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। सलमान के बर्थडे को खास बनाने के लिए उनके तमाम चाहने वाले 4 से 5 दिन पहले से ही सेलिब्रेशन मोड में हैं। बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड में भी खास अंदाज में सलमान खान का जन्मदिन मनाया गया। 27 दिसंबर साल 1965 में जन्मे सलमान खान अपने फैंस के दिलों में बसते हैं, तो वहीं उनका बॉलीवुड में सिक्का भी चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकार हैं। वो एक आलीशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन शायद ये बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की पहली कमाई 100 रुपये से भी कम थी। क्या हुआ, सुनकर शौक लगाना, लेकिन हकीकत यही है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली कमाई 75 रुपये थी। उन्होंने मुंबई के ताज होटल में एक शो में बैकग्राउंड में डांस किया था, जिसके लिए उन्हें 75 रुपये मिले थे। वहीं वो अपनी पहली हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए सलमान को 31,000 रुपये की फीस मिली थी। लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करते जाओ कामयाबी जरूर मिलेगा। तो अब देख लीजिए आज सलमान खान किस मुकाम पर हैं। सलमान को अपनी फिल्मों के लिए कभी प्यार मिला तो कभी तंज, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। आज सलमान खान बॉलीवुड के सबसे महंगे और डिमांडिंग स्टार बन चुके हैं। सलमान ने हम आपके हैं, कौन, करण, अर्जुन, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। सलमान अभी किसी का भाई किसी की जान में दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही एक्टर शाहरुख खान की विवादित फिल्म पठान में भी दिखाई देंगे, जिसमें इनका कैमियो है। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों बड़े पर्दे पर काफ़ी समय बाद दिखने वाले हैं। दोनों को साथ में देखने के लिए इनके फैंस भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाकर बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का नया बार सेट किया। सलमान आज करोड़ों के मालिक हैं। एक्टर होने के अलावा सलमान खान एक शानदार बिजनेस भी करते हैं। सलमान खान का अपना प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम सलमान खान फिल्म्स है। सलमान का खुद का एक ब्रांड भी है जो बिंग ह्यूमन के नाम से चलता है और वो भी काफ़ी पॉपुलर है। इन सब चीज़ों के जरिए सलमान मोटी कमाई करते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी सलमान की करोड़ों की कमाई होती है। सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे चमकते सितारे हैं जिन्होंने अपनी रोशनी से कई लोगों की जिंदगी के अंधेरे को दूर किया है। सलमान ने कई लोगों की जिंदगी संवारी है, उनके करियर में कामयाबी के पंख लगाए। यही वजह है कि आज आधी इंडस्ट्री सलमान को उनके नाम से नहीं बल्कि भाईजान कहकर बुलाती है। सलमान ने इंडस्ट्री में कई ट्रेंड सेट किए हैं। सलमान खुद को अपनी शानदार फिजिक्स और बॉडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के कई एक्टर्स को फिट रहने के लिए इंस्पायर किया है। बॉलीवुड के भाईजान जिस महफिल में भी शिरकत करते हैं, वो अपने स्वैग और किलर एटीट्यूड से सारी लाइमलाइट लूट लेते हैं। सलमान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी फिजिक्स और स्वैग के साथ दुनिया को उनके गुड लुक्स की भी दीवानी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।